हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस एस अकेडमी ट्वेंटी सेवेंथ फेब्रवरी के क्विज का सोल्यूशन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी दिया है एंड ए इनवर्स कितना होगा तो सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स तो ए इनवर्स है ही नहीं क्योंकि तो प्री मल्टीप्लाई करूंगी मैं ए इनवर्स से ये हो गया वी नो दैट ए इनवर्स इक्वल टू आई एंड ए इन टू आई इक्वल टू ए ये पता होना चाहिए तो बस हो गया क्या हो जाएगा ये ये हो गया आपका आई बी और ये थ्री ए इनवर्स आई कितना हो जाता है ए तो मतलब ए यहाँ इनवर्स है आई बी बी हो गया एंड थ्री ए इनवर्स दैट मीन्स ए इनवर्स इक्वल टू वन बाय थ्री बी क्लियर है नेक्स्ट HM क्वेश्चन है और आपको ए पूछा है A मतलब arithmetic mean. सबसे आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए हार्मोनिक मीन होता है टू ए बी ए प्लस बी नेक्स्ट जोमेट्रिक मीन आपके पास होता है ए बी रूट ठीक है और लास्ट अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाय टू ए याद है तो अब हो गया देखिए सबसे पहले लिखा है एच एम एच एम दिया है फोर तो वो हो गया ये क्योंकि फॉर्मूला पता है तो यहां से क्या निकल गया आपका टू से टू कैंसिल करिए और ये हो जाएगा या फिर ऐसे कर सकते हैं टू ए बी बाय फोर ए प्लस बी फर्स्ट इक्वेशन ये ले लेते हैं क्लियर सेकंड अब आपके पास जो गिवन दिया है टू ए ये वाला एक ही जगह मैं वैल्यू पुट कर लेती हूँ ए प्लस बी ए मतलब अर्थमेटिक मीन जी जी होता अंडर रूट ए बी साथ में दिया इक्वल ट्वेंटी सेवन तो ये कितना हो गया ए प्लस बी और स्क्वायर और रूट कैंसिल ए बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन अब ए प्लस बी की वैल्यू देखिए यहाँ पुट कीजिए ए प्लस बी फर्स्ट से तो टू ए बी बाय फोर प्लस ए बी इक्वल टू ट्वेंटी सेवन एनसीजिए टू ए बी प्लस फोर ए बी ट्वेंटी सेवन फोर वन जीरोक्वल टू वन जीरो एट दैट मीन्स ए बी आ गया एटीन ए बी हो गया बस इसमें पुट करिए पुट इन फर्स्ट में ये जो इक्वेशन है क्लियर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में टू ए बी की जगह आपका टू बाय फोर है वैसे ए बी की जगह एटीन हो गया और साथ में ए प्लस बी तो ये हो जाएगा टू जा नाइन जा दैट मीन्स ए प्लस बी आपका नाइन आ गया आपके पास पूछा था ए कितना है ए मीन्स अर्थमेटिक मीन तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दू टू से तो ये अर्थमेटिक मीन हो जाएगा तो यहां भी क्या करना पड़ेगा टू से डिवाइड दैट मीन्स फाइनल आंसर इज नाइन बाय टू दैट मीन्स ए इज इक्वल टू नाइन बाय टू नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ये समीशन सबसे पहले ये वाला जो टर्म है इसको हम सॉल्व सॉल्व करेंगे कैसे होगा ये देखिए समीशन के इक्वल टू वन टू जे आई मतलब k की वैल्यू आपको वन टू थ्री एंड सो ऑन ये पुट करनी है तो ये क्या हो जाएगा समीशन k इक्वल टू वन टू j लास्ट वैल्यू कितनी है j वन प्लस वन प्लस वन एंड सो ऑन j तक तो पता है कि वन जो वन है वो जे टर्म तक है तो दैट मीन वन इन टू जे जे तो ये कितना हो गया जे हो गया कौन से वाला इतना वाला वैल्यू तो हम ऐसे लिख सकते इसको और जो मैंने ये किया है ये वाला दिस वन इसको मैंने क्या लिख लिया जे अब इस वाले को सॉल्व करना है किसको दिस वन समीशन जे इक्वल टू वन टू आई जे अब आपके पास जे की वैल्यू वन टू थ्री एंड सो ऑन है क्लियर तो ये कितना हो गया समीशन जे इक्वल टू वन टू लेकिन लास्ट वैल्यू आई है तो क्या हो जाएगा ये पहला जे वन फिर दो फिर तीन एंड सो ऑन कहां तक आई तक तो ये तो आपको पता है नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाई टू एन हमारा यहाँ पे आई था तो मुझे यहां पुट करना है समीशन आई टू वन आई इक्वल टू वन टू एन और ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा आई स्केयर ये मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं ठीक है आई स्केयर प्लस आई बाय टू तो अगर इसको मैं फिर से सॉल्व करूंगी वन बाय टू कॉमन ले लो और समीशन i इक्वल टू वन टू एन ये बच के आई स्केयर और फिर से समीशन आई इक्वल टू वन टू एन और साथ में वन है इसको अब सॉल्व करते हैं अब आई स्क्र का क्या मतलब है स्क्वेयर था यहाँ पे क्लियर तो अब देखिए अगर मैं समीशन आई इक्वल टू वन टू एन आई स्क्र करती थी आई स्वेयर मतलब आई की वैल्यू वन टू थ्री इस तरह डालती हूँ तो क्या हो जाएगा ये समीशन आई इक्वल टू वन टू एन वन का स्केयर टू का स्केयर थ्री का स्केयर कहां तक डालना है लास्ट नंबर है एन एन का स्केयर ये तो सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल सम ऑफ द स्केयर फर्स्ट नेचुरल नंबर विच इज इक्वल टू यहां पे पुट कर दूंगी मैं विच इज इक्वल टू एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड सिक्स होता है क्लियर प्लस अब इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू भी अगर सॉल्व करना चाहूं तो आपको पता है आई की वैल्यू आई की जगह क्या डालना आपको पहले वन डालना है आई टू एन आई की जगह वन डालना है टू डालना है थ्री डालना है और लास्ट में कितना डालना है एन डालना है ये सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर बन गया तो उसका फॉर्मूला भी हमें पता है एन एन प्लस वन डिवाइड बाय टू हो गया इतना समझाने के लिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो ये कुछ नहीं है हाफ और यहां से अगर मैं कॉमन ले लू एन एन प्लस वन बाय टू कॉमन ले लेते हैं अंदर क्या बचेगा टू एन प्लस वन बाय थ्री प्लस वन अब इसका एल करके ये हो जाएगा आपका वन बाय फोर एन एन प्लस वन और एल कर रहा है कर, कर रही हूँ टू एन प्लस वन प्लस थ्री बाय थ्री और ये हो गया वन बाय फोर एन एन प्लस वन टू एन प्लस फोर बाय थ्री तो ये हो गया वन बाय फोर मल्टीप्लाई एन एन प्लस वन और यहाँ से टू कॉमन ले लीजिए एन प्लस टू ओवर थ्री दैट मीन्स कैंसल आउट ये आ गया ठीक है तो ये बचा वन एन एन प्लस वन और एन प्लस टू ओवर थ्री टू जिक्स आपका ये फाइनल आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो होगा सबसे पहले सिलेक्ट टू चेयर्स फ्रॉम फोर चेयर्स वन टू फोर है जो दो चेयर सिलेक्ट करनी है फोर चेयर्स से एंड अरेंज्ड एंड अरेन्ज टू वुमेन तो टू वुमेन है उनको सेलेक्ट करनी है फर्स्ट फोर चेयर में से दो चेयर ये हो गया फोर पी टू सेकेंड क्या है जो चेयर बची कितनी बची दो तो अरेंज होगी आठ में से छह बची क्लियर रिमेनिंग चेयर अरेन्ज इन सिक्स चेयर तो कितना हो जाएगा सिक्स पी थ्री तो फाइनल फोर पी टू मल्टीप्लाई सिक्स पी थ्री तो ये आंसर होगा और अगर कॉम्बिनेशन से करना है तो चार चेयर्स में से दो चेयर सेलेक्ट करनी है और उनको टू डिफरेंट वे में अरेंज भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई सेकंड सिक्स चेयर्स रिमेनिंग थी थ्री मैन सेलेक्ट करेंगे और उसको थ्री फैक्टोरियल वेज में करेंगे तो या तो ये ऑप्शन या ये लेकिन ऑप्शन में आपका ये वाला आंसर है क्लियर लास्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है देन एन इज जस्ट ग्रेटर देन इंटीजर्स पूछा है एन किससे बड़ा होगा तो सबसे पहले हमें देखिए यहां क्या बन रहा है एन मान लीजिए ये एन है तो ये भी एन है ये है आर और ये है आर प्लस वन तो एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस वन ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है तो होता है एन प्लस वन सी आर प्लस वन के इक्वल तो बस ये करूंगी जो आपके पास गीवन इक्वेशन है उसमें क्या है एन आपका एन ये है ठीक है प्लस वन सी आर आर है थ्री थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा तो थ्री प्लस वन आगे क्या लिखा है ग्रेटर एन सी थ्री ठीक है इतने में मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया तो हो गया आपका सी फोर ग्रेटर एन सी थ्री फॉर्मूला लगाते हैं एन फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल ग्रेटर देन एन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल एन माइनस थ्री फैक्टोरियल तो ये कैंसल आउट हो गया आपका क्या बचा ये भी एन एन माइनस फोर हो जाएगा क्लियर तो ये आपके पास वन बाय फोर फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल ग्रेटर देन वन बाय थ्री फैक्टोरियल और एन माइनस थ्री एन माइनस फोर फैक्टोरियल ये कैंसल आउट हो गया और ये भी यहाँ पे फोर इंटू थ्री कर सकते हैं फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल कैंसल आउट दैट मीनस वन बाय फोर ग्रेटर देन वन बाय एन माइनस थ्री तो फाइनल कितना हो जाएगा एन माइनस थ्री ग्रेटर देन फोर तो एन ग्रेटर देन सेवन तो फाइनल आंसर इज सेवन आज के लिए इतना ही जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू वेरी मच